स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ में धूमधाम से मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। जी हां, जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। पूर्वजों का कहना है कि गोला गोकर्ण नाथ में गंगा जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन इस मंदिर पर काफी भीड़ देखने को मिली, बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं गोला कोतवाल संजय सिंह त्यागी अपने दल बल के साथ मौजूद रहे, वहीं श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने में पूरा सहयोग किया। प्रशासन एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में जुट गया था। गोला कोतवाल संजय सिंह त्यागी पूरा दिन श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में जुटे रहे। महाशिवरात्रि के पर्व पर गोला गोकर्णनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 3 डिप्टी एसपी और आपके 7 एसओ और 15 सब इंस्पेक्टर और 70 जो है कॉन्स्टेबल लगे हैं, जिसमें साधों में LIU और सिविल पुलिस, महिला पुलिस और CCTV कैमरे लगवाए गए हैं और इनसे इस प्रकार जो है सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की गई। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में प्राचीन सिद्धिपीठ मंदिर में शिवरात्रि पर भव्य हुआ श्रृंगार, भक्तों का लगा तांता। जी हां, कन्नौज के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सम्राट हर्ष के जमाने के इस प्राचीन मंदिर में भोले बाबा सब परिवार मौजूद है। यहां पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि एक साथ पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। बनारस के काशी विश्वनाथ की तरह कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर के महत्व को भी आंका जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भोले बाबा के भक्त अपनी मनोकामना लेकर भोले के दरबार में हाजिरी देते हैं। इस बार किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। कन्नौज का ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर का निर्माण सम्राट हर्ष के समय में हुआ था। सम्राट के समय में इसमें 1001 पुजारी नियुक्त थे। सम्राट हर्ष गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही दरबार में जाया करते थे। मंदिर के महत्व को देखते हुए हजारों श्रद्धालु पड़ोसी राज्यों से आकर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोले बाबा सब परिवार गौरी शंकर मंदिर में भक्तों पर कृपा की महिमा बिखेर रहे हैं, इसीलिए भक्तों में भी दर्शन की होड़ लगी हुई है। एक सेकंड के लिए भी भोले बाबा पर बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल की धारा बंद नहीं हुई। हर साल हजारों कांवरिये भोले बाबा के परिवार को गंगा जल चढ़ाने आते हैं। मंदिर के बारे में मशहूर है कि ये शिवलिंग स्वम्भू है। एक बार खुदाई की गई तो लिंग के अंतिम छोर तक नहीं पहुँचा जा सकता। मंदिर में दर्शनार्थी अपनी मनोकामना का पिटारा लेकर आते हैं और मुरादे पूरे होने की उम्मीदों को लेकर वापस जाते हैं। ये सिलसिला हजारों साल से भी ज्यादा से चला आ रहा है। भोले बाबा के परिवार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भक्त पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाना नहीं भूलते। कन्नौज से मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर तेज गति से आ रही ट्रक ने साइकिल सवार मजदूरों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत हो गई। जी हां, जनपद लखीमपुर खीरी के पसकवा कोतवाली क्षेत्र की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उचौलिया में गुरुद्वारे के निकट तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने साइकिल पर सवार मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेज दिया गया है। पसकवा कोतवाली क्षेत्र की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उचौलिया क्षेत्र के निकट गुरुद्वारा के जानवरों के लिए चारा लेकर वापस घर आ रहे गांव रूरा निवासी आसान पुत्र नज्जू 28 वर्षीय, आफाक पुत्र अमजद 35 वर्षीय, इरमान पुत्र अब्दुल्ला 35 वर्षीय, अमरीन हनीफ, शमशुद्दीन ऑफिसर रियासत तथा महफूज साइकिल से जानवरों के लिए चारा लेकर वापस अपने घर रूरा जा रहे थे। तभी लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रहे तेज रफ्तार से ट्रक ने
टक्कर मारती। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि मौके पर आसान आफाक अरमान की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर अपने दल बल के साथ मौजूद पसगवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह रघुवंशी ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेज दिया। तीन मजदूरों की मौत से कस्बा वासियों में आक्रोश आ गया। सूचना पर पहुंची महमदी उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला और सीओ मोहम्मदी विजय आनंद ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मृतक आसन आफाक तथा अरमान का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। उचौलिया गुरुद्वारे के पास रूरा गांव के ही तीन मजदूरों की मौत की खबर सुनते ही गांव के लोग गमगीन हो गए। दोनों ट्रक रोड के किनारे खाई में पलट गए। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। लखीमपुर खीरी से विकास वर्मा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज।